गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम थोड़ा सा ट्रिक पे जा रहे हैं, थोड़ा सा हाइक पे जा रहे हैं। अभी ये हमारा विशाल भैया है और संतोष भैया है। अभी हम तीन जा रहे हैं कहीं पे थोड़ा हाइक करने के लिए, तो आपको आगे दिखाते हैं। यू गाइस कीप एंजॉयिंग द वीडियो। भैया जी कैसे हो? बढ़िया सब। वैसे हम लोग कहाँ जाएंगे अभी घूमने के लिए? थोड़ा वैसे तो बेसिक हम टीवी टावर जा रहे हैं। टीवी टावर, अच्छा। मगर ना हम बिस्ना कुराला बोलते हैं हमारे यहाँ ना, कुराला कुराओ कुराओ कुराओ। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुराओ माने हमारा एरिया जहाँ हम ऑर्चर्ड है, मतलब एप्पल का। अच्छा 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 एप्पल ऑर्चर्ड। हाँ हाँ जिस एरिया में जी पोटैटो हो गया, बीन्स हो गया। अच्छा अच्छा। अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि ये पतझड़ है ना, ड्राई मौसम है काफी। जी और ये दिसंबर है, सूखा मौसम है, इसको अंधेरा मौसम बोलते हैं। ओके आजकल तो कुछ नहीं, थोड़ा एक गार्लिक का थोड़ा वो प्लांटेशन किया था, उसकी ग्रोथ को चेक करेंगे। अच्छा, तो हम थोड़ा सा फार्म्स में जा रहे हैं, वहाँ पे चेक करेंगे वेजिटेशन और जो प्लांटेशन किए गए हुए हैं। बार्ले का किया हुआ है अभी, जिसको जो जो हाँ बार्ले भी अभी सब सीड को वो किया है। अच्छा, खनन करके तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, कल्टीवेशन कर दिया है। कल्टीवेशन हो गया। हार्वेस्टिंग हम करेंगे जून जुलाई में हार्वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये ओली रोड में पड़ता है। भैया जी भी रास्ते में है, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे आज ओली में बहुत भीड़ है, बहुत ही भीड़ है ओली में। बहुत सारे गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। दिस इज द सीजन राइट। As you can see, तो चलते हैं हम लोग आगे, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो संतोष भैया अभी आ गए हैं, तो भाई हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सामने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा। तो इस साइड में नीचे अभी बार्ले बो रखा है इसमें, तो यहाँ से बार्ले आएगा जुलाई टाइम, आई थिंक अबाउट जून जुलाई टाइम में। तो आगे चलते हैं, ऊपर से जो पानी आता है उसको नीचे जाने देना होता है, उसको पकड़ के नहीं रख सकते। डायरेक्टली गेट्स इनटू द रिवर अलकनंदा, और छोटा सा प्यारा सा पुल है। तो यहाँ पे दो रास्ता कट जाता है बेसिकली, एक छोटा सा पुलिस साइड, ये आपको ओली के साइड में लेके जाएगा, और ये जो है जंगल के साइड में। हाय, हम लोग इधर जा रहे हैं। हाँ पता है, हम लोग ओली नहीं जा रहे हैं, हम लोग भोली जा रहे हैं। भोली 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 ये ओली है, ये धोली है, हम लोग किधर जाएंगे? समझ गए हाँ, आप किधर जी। जगह बहुत प्यारा है, इस साइड से व्यू बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये विशाल भाई का फार्म हाउस है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो वेलकम एवरीवन, देखो हिमालय के एकदम क्लोज व्यू, बिल्कुल ऊपर से लेके एकदम। यहाँ पे एक मिट्टी का घर है, सर्दियों में ये घर बहुत गर्म रहता है, बहुत ही पूरा मिट्टी का लेप है इसमें। तो ये सारे यहाँ पे सेब के पेड़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला नया लगाया गया हुआ है। साइड से एक बार जाके देखते हैं। घर का एंट्रेंस स्टोरेज यहाँ पे, हाँ ये स्टोरेज बहुत सही है। स्टोरेज गार्लिक है यहाँ पे, ये वाली और ये है वो अखरोट। अच्छा ये, अच्छा ये, ओहो ये देख, इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा लग रहा है। ये अखरोट के पेड़ है वैसे,
वॉलनट। वाह देखो विशाल भैया चढ़ रही है वो पे। चढ़ गए ऊपर, अब थोड़ा व्यू का मजा लो यहाँ से। तो अभी विशाल भैया थोड़ा अखरोट तोड़ेंगे, अभी देखो अरे बाप रे बहुत। हाँ दिखे मुझे दिखे, कितने सारे गिर गए। तो अभी इसको ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है, कहीं पे भी छुपा हो सकता है ये, इसको बाहर निकालते हैं पहले। एक ये पूरा कैमोफ्लेज हो जाता है एकदम। भैया जी भी ढूंढ रहे हैं अखरोट, तो मिला है चार हाथ में, अभी चार अखरोट है मेरे। ये एक है, इस साइड में पूरे बोल्डर्स ही बोल्डर्स हैं। तो हम लोग ने बहुत सारे अखरोट कलेक्ट कर लिया है, तो अभी हम लोग को थोड़ा सा आगे जाना है। तो जिस खेत से हम लोग जा रहे हैं ये बिल्कुल एप्पल ऑर्चर्ड है। वी हैव टू क्रॉस दिस ग्रेट वॉल ऑफ नोवेयर। वैसे दिस इज़ द बेयर्स नेस्ट, यहाँ पे भालू आते हैं यहाँ पे जब माइग्रेशन का टाइम होता है। ओह दिख गया कितना गहरा है। हाँ यार अभी इस साइड में देखो, यू सी दिस केव सिस्टम ओवर देयर। ये जो केव सिस्टम देख रहे हो यहाँ पे भालू आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे, कुछ टाइम रहते हैं उसके बाद वापस दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। लकली देयर आर नो बेयर्स इनसाइड। चलो आगे चलते हैं हम लोग। वो पूरा पाला जम रखा है यहाँ पे। ये देखो पूरा बर्फ है, आइस। तो अभी हम लोग इस साइड से थोड़ा सीढ़ी लेके आए हैं और मेन रोड तक पहुंच गए हैं, जहाँ से ऑलीजस्ट थोड़ा सा एकदम पास में ही है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, रास्ता भी थोड़ा सा जम गया है तो ऑब्वियसली फिसलन हो रही है, मतलब बहुत स्लिप हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से जाना है। पूरा सेफ भी मिल रहा है यहाँ से। तो इस साइड से ऑली ऊपर की तरफ जाता है, हम लोग नीचे से अभी आए हैं, थोड़ा अभी हम लोग आगे चलते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स देयर। तो ये जो रोड है बेसिकली एक टाइम यहाँ पे टीवी टावर हुआ करता था, सो इस जगह का नाम है टीवी टावर। नमस्ते। ओलिमी अभी इतना शोर शराबा होगा ना, मतलब खतरनाक। हाँ बहुत ज़्यादा। तो ये बेसिकली चारे के लिए है ना विशाल भाई? हाँ हाँ, ये जब क्या होगा ना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया मान लो, हाँ जी वो तो मुश्किल होता है, तो आजकल वैसे सूखा है जी, तो ये इन्होंने रिजर्व करके रखा है एज अ स्टोरेज। मतलब अच्छा अच्छा, मतलब जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो यही अभी भी यही सर्व कर रहे हैं। नहीं अभी ऐसा ही ऑप्शन है कि जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं, लेकिन जब हैवी स्नोफॉल हो जाएगा तो ऑप्शन नहीं है, तो तब यही सर्व करेंगे अपने जो स्टोर करके रखना है उसके बाद कैटल्स को खिलाना है। अच्छा ऐसे, वो देखो कितना चमक रहा है, जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे बहुत बढ़िया है। एक्चुअली गौशाला है, कितना अच्छा लग रहा है, सही है यहाँ पे, सही लग रहा है पूरा एकदम सैफ्रॉन। चलते हैं आगे।
इस साइड से थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं पूरा माउंटेन रेंज का। तो अभी हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो पहाड़ी स्टाइल में घर है, बहुत सही लोकेशन में है, एकदम पूरा ओपन व्यू है। तो अभी यहाँ पे लकड़ी स्टोर कर रखे हैं। ये लकड़ी अभी बहुत काम का चीज है, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, आग सेकने के लिए, तो बहुत सही चीज है। और देखो भैया जी कहाँ पे चढ़ गए हैं। आपको दिखाते हैं थोड़ा साइड से। ये देखो ब्यूटीफुल, ऐसे पूरा एकदम नीचे का जो रोड्स हैं सब कुछ दिखते हैं यहाँ से ना। वो हेलीपैड है जोशीमठ का। तो अभी आपको थोड़ा सा पहाड़ी घर का टूर करवाते हैं, आप देखते रहो। यहाँ पे भुट्टा भी है रखा हुआ है, कुछ कद्दू है और पूरा मिट्टी का लेप है इसमें। उधर विशाल भैया बैठे हैं एकदम पहाड़ के ऊपर गब्बर सिंह जैसे। जो फाउंडेशन है ना जी, यहाँ से 1 मीटर नीचे जा रहा पूरा। 1 मीटर नीचे तक फाउंडेशन है। फाउंडेशन अच्छा, और ये 2 फीट उठने के बाद ही मकान बनता है। अच्छा, मतलब जमीन से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। हाँ जी, ये आप देख सकते हो फ्रंट वाली से इस मकान को। ये 300 साल पुराना मकान है। 300 साल पुराना मकान है। वाह, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। थोड़ा मॉडिफाई और करता है, ये जो सीमेंट लगा हुआ है। अच्छा, इसको आप ना देखते हुए आप खाली मिट्टी को देखो। बिल्कुल, और जस्ट लोकेशन देखो यहाँ से, एकदम कितना बढ़िया लोकेशन है। और देखो वहाँ पे पूरा चमक रहा है हिमालय का जो शीर्ष है। और ये देखो शाम होने वाला है, सही लग रहा है यहाँ से। सुबह उठ के आप जब बैठोगे यहाँ पे कितना अच्छा लगेगा। और आज हम लोग थोड़ा जोशीमठ से यहाँ तक चल के आए हैं, पूरा ट्रेक करते हुए, हाइक करते हुए आए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, और रास्ते में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिला, जैसे मैंने आपको दिखाया है जो पहाड़ी घर होते हैं यहाँ पे, मिट्टी का जो लिपाई होती है यहाँ पे, और कैसे बनावट होती है। सच में इट्स रियली अमेजिंग, रियली ब्यूटीफुल, एंड जिसको सादगी बोलते हैं वो अभी तक बरकरार है। सो ट्राइंग टू कीप दैट ट्रेडिशन यू नो गोइंग ऑन। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय भोले।